बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। अच्छा जी, वीकेंड अच्छा गुजरा, कुछ लोग ये शिकायत करते रहे, बल्कि कुछ नहीं, ऑलमोस्ट हर इलाके में इशू ये था कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी और कल गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा थी। आगे चल के हमने इस पर बात करनी है। खैर, आपको पता है जी, हम प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह करते हैं एक अच्छी बात से। तो आज का पैगाम क्या है, पहला सेगमेंट शामिल करेंगे। एक दिन एक नेकी में आज आपके साथ क्या पैगाम शेयर कर रहे हैं, आपको दिखा देते हैं। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, देखना, एक दूसरे से नफ़रत ना करना, एक दूसरे से हसद ना करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तबाग़ज़ु, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना किया करो, वला तहासदु, देखना, एक दूसरे से हसद भी ना करना, वला तदाबरु, एक दूसरे से मुंह भी ना फेरना, वकूनु इबादल्लाहि इख्वान, अल्लाह के बंदो भाई बन के ज़िंदगी बसर करो। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वह अपने दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज़्यादा क़ता ताल्लुक़ी करे। इसलिए आज का मेरा मैसेज और पैगाम ये है, एक दूसरे से महब्बत, एक दूसरे से महब्बत, ये वो बड़ी नियामत है, वो बड़ी नियामत है जो बड़ी सी बड़ी दुश्मनी को भी ख़त्म कर सकता है। अल्लाह हम सब को आपस में मिलजुल कर महब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन। ये थी जी आज की अच्छी बात। तो आज का मौसम कैसा होगा, टुडेज वेदर में जानते हैं। मायदा की तरफ चलेंगे, बाहर मौजूद हैं जी। मायदा, कहिए इस वक्त मौसम कैसा है और आज क्या प्रेडिक्शन की गई है वेदर की? शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर में सूरज आग बरसाता जो इस टाइम जो है पूरे शहर पर हावी हुआ हुआ है। तेज़ गर्मी इस टाइम जो है वो पूरे शहर में महसूस की जा रही है और सुबह के औकात में दर्जा हरारत की अगर बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ हल्के से बादल जो हैं वो 11 से 12 बजे के करीब जो है वो शहर सूरज को अपनी लपेट में लेंगे। लेकिन उसी के साथ 12 बजे के बाद जो है एक बार फिर से जो है वो गर्मी शिद्दत अख्तियार करेगी। 1 से 2 बजे के करीब जो है वो टेम्परेचर एक दफ़ा जो फिर से वो शिद्दत अख्तियार करेगा और 2 बजे के करीब जो है दर्ज हरारत सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा और 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के अमकान आज महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो जाहिर किए गए हैं। आज जो है शहर में सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो महसूस की जाएगी और दर्ज हरारत की अगर बात करें तो 45 तक जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। बारिशों की तहाल 24 घंटे में कोई प्रिडिक्शन जो है वो जाहिर नहीं की गई है, जिसके बाइस शहरियों को इसी तरह गर्मी जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। माहरीन की जानिब से हमारे शहरियों को जो है ये एहतियाती तदाबीर जारी की गई हैं कि बाहर जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और अगर निकलना है तो अपने आप को जो है मुकम्मल तौर पर कवर करके घर से बाहर निकले जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मायदा हमारे साथ मौजूद थी और मायदा ने हमें बताया मौसम की सूरत हाल। आज की खबरें क्या हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ तो बढ़ना है लेकिन आप लोगों से भी ये पूछ लें, आप लोगों के इलाके में भी कल लोड शेडिंग उसी तरह से होती रही जैसे बाकी सारे इलाकों में लोग शिकायतें कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम भी लाहौर में ही बसते हैं, लाहौर ही नहीं है लेकिन चले लाहौर में तो बसते हैं। शिप्रा साहब की बीट है इनके इलाके में कम, मैंने इसीलिए शिप्रा साहब कम जाती है, इन्होंने 2-3 मीटर लगवाए होंगे। ले जी, अगर साई साहब की बात मान ली जाए तो फिर साई साहब का जो मुतलका थाना उसमें डकैती राज ने भी काम होने चाहिए लेकिन ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। बात यह है कि जब फोर्स्ड लोड शेडिंग होती है ऐलानिया के साथ गैर ऐलानिया जो जिसको हम जबरी लोड शेडिंग का लफ्ज देते हैं उसमें ना ये देखते हैं कि ये बीट रिपोर्टर है उसमें ना देखा जाता है कि ये गवर्नर हाउस है, ये ऐवान वज़ीर आला है, उसमें कोई चीज़ भी नहीं देखी जाती। उसमें आपका ग्रिड ने बंद होना है क्योंकि सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना है, सिस्टम को ब्रेकडाउन से बचाने के लिए उन्होंने आपके ग्रिड स्टेशंस को खींचना ही खींचना है।
तो वो उसमें जब जबरी लोड शेडिंग होती है उसमें सारे आ जाते हैं। अब रही बात कि अब देखें विफाकी हुकूमत की कोशिशें अपनी जगह पे, लेकिन ये हालात अच्छे की तरफ जाते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जून तक तवक्को थी कि एलएनजी आ जाएगी, लेकिन अब सुनने में इतलात यही आ रही है कि एलएनजी जो इंपोर्ट होनी थी वो दोबारा उसके टेंडर मंसूख हो गए। इसका क्या मतलब है कि आपके जुलाई अगस्त ये जो मौसम गर्मा है ये इसी तरह गुजरना है, लोड शेडिंग का आपको सामना रहेगा। बिजली कीमतें यही मेंटेन नहीं, कीमतें तो आप जिस तरह आप सजेशन आई, अगर प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल में तो उसकी अप्रूवल नहीं देनी चाहिए, अगर वजीर आजम उसकी अप्रूवल दे देते हैं तो वो तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। हम अभी थोड़ी लोड शेडिंग पे आ जाते हैं। अब देखें लेस्को की डिमांड आपके पीक आर्ज में 5300 मेगावाट से तजावज़ कर रही है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर जो हमें सप्लाई दे रहा है वो कभी 4300 मेगावाट देता है, कभी 4200 मेगावाट, कभी 3900 मेगावाट। मैक्सिमम टाइम में हम 4000 मेगावाट से नीचे रहते हैं, 1200-1300 मेगावाट का शॉर्टफॉल हमें रहता है। अब बताएं कि इस शॉर्टफॉल में रहकर जो आप कहें कि हम 4 घंटे की लोड शेडिंग करेंगे ये मुमकिन नहीं है। नहीं, कहने को तो बड़ा दावा कर दिया कह रहे हैं, लेकिन सिप्रा साहब 6 की भी नहीं हो रही। मुझे माजरत के साथ एक ब्रेकिंग का कहा जा रहा है, अभी एक आपको अपडेट दे देते हैं जी। अफसोसनाक वाकया पेश आया है, डॉल्फिन एहलकार की जानिब से फायरिंग की गई है फैक्ट्री एरिया के इलाके में। डॉल्फिन एहलकार ने भाभी भाइयों पर फायरिंग कर दी है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, फैक्ट्री एरिया का इलाका है। आबिद चौधरी लाइन पे मौजूद हैं। आबिद, क्या मामला है, खबर कैसे वाकया पेश आया? बिल्कुल है ना, पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि फैक्ट्री का इलाका है जहां पर डॉल्फिन अहलकार ने फायरिंग करके भाभी को कत्ल और दो भाइयों को जख्मी कर दिया है। घरेलू निशाकी पर ये दोनों तीनों भाइयों का आपस में झगड़ा था, जिस दौरान डॉल्फिन अहलकार बुखार की जानब से फायरिंग कर दी गई। फायरिंग जब में आकर इसकी अपनी ही भाभी जो कि इस वक्त सो रही थी और गोली लगने के बाद इस मौके पर जामा हो गई। बताया इसके भाई दोनों शदीद जख्मी हुए, जिनको तबीयत इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के कहना है कि जामबक उन्होंने खतूम की शनाख्त कोजे के नाम से ही, जिसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। अलबत्ता जख्मियों को तबीयत इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिम की तलाश जारी है। ठीक है, मुलजिम की तलाश जारी है, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आबिद, आपका शुक्रिया जी। तो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जो 6 घंटे का दावा किया जा रहा है लेस्को की जानिब से, 6 घंटे तो नहीं है, हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा दुरानी 8 घंटे भी है, 10 घंटे भी है। मजाफात में चले जाएं, सरहदी इलाकों में चले जाएं, वहां तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली आपको कोटा मिला, ये हमारे जो लेस्को चीफ चौधरी अमीन साहब बैठे हैं, ये आला सतह पे जो लोग बैठे हैं इनको आगे आना चाहिए। ये कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाएं और आवाम को ना बताएं। आप बिल्स वसूल करने के लिए तो इनकी तरफ जाएं, लेकिन आवाम जब उनसे बिजली के बारे में पूछे तो आप खामोशी से बैठ जाएं कि हमें नहीं पता। अब मैं कहता हूं कि ये फेस्को चीफ जो है उन्होंने 2 दिन कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने सारे हकायक सामने रखे हैं कि हमें कितनी बिजली की ज़रूरत है, कितनी मिल रही है, कितनी हम इंडस्ट्री को दे रहे हैं, कितनी हम डोमेस्टिक को दे सकते हैं। भाई जब आपके किसी इलाके का या किसी शहर का कंपनी का सरबराह आकर ऑन कैमरा बता दे कि हमें इतनी ज़रूरत है और इसके मुताबिक हम लोड शेडिंग कर रहे हैं, तो लोग उसको सुनेंगे और उसका पता भी रहेगा। यहाँ उसके बरक्स हो रहा है, यहाँ इसलिए आंखें बंद करके बैठे हैं कि यह विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। पैदावार करना, बिजली का जनरेशन करना, यह विफाक की है। ये सब लोग विफाक पे डाल के अब खामोशी से बैठे हुए हैं। नहीं, तनख्वाह मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, आपको एक कोटा दिया जाता है। आप ये देखें कि आपकी जब बिजली बंद होती है तो मैं तो देखता हूँ ना पानी आ रहा है, अब गैस भी बिल्कुल नहीं आ रही, ऐसे ही है, गैस भी 3-4 दिन से बिल्कुल जीरो है। हाथ पे हाथ रख के बैठना पड़ता है, आपकी बिजली ना आने की वजह से पानी बिल्कुल चला जाता है और लोगों को सुबह सुबह तकरीबन जब 9:30 बजे हमने दफ्तर के लिए निकलना होता है तो आप 6 बजे भी उठ रहे हैं तो उस दौरान भी 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है। जब 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है ना पानी आप तक पहुंचता है, ना गैस तो आ ही नहीं रही होती, आपको नाश्ता भी बाहर से लेने जाना पड़ता है। इस पे गवर्नमेंट को बिल्कुल नई गवर्नमेंट आई है, उसको नई प्लानिंग बनानी पड़ेगी और नून लीग के लोग बड़े तजर्बाकार हैं, उनको इस पर फोकस करना होगा कि किस तरह शहरियों को फैसिलिटेट करें, चूँकि महंगाई का जो एक बहुत बड़ा तूफान आया पिछले दिनों में उसका ही बड़ा प्रेशर। अच्छा, साई साहब, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर लोग कह रहे हैं बिजली नहीं आ रही, गवर्नमेंट को कुछ करना है। मुझे ये बता दें गवर्नमेंट इसमें कितनी हिस्सेदार है, क्या कर सकती है रोल प्ले, जब आपके पास पीछे हालात ही इतने खराब है लेस्को के, लेस्को अफसरान एहलकार खुद ही नहीं कुछ करना चाह रहे हैं, बिजली है ही नहीं, कहाँ से गवर्नमेंट। पिछली गवर्नमेंट कह रही थी ना कि हमने डैम बनाने हैं, कोई डैम बनाए होते या इससे पिछले जो दौरे हुकूमत था उसमें कोई डैम बने होते, कोई चीज़ें बेहतर हुई होती तो हो सकता है अब हालात बेहतर होते, लेकिन सिचुएशन जो कि तू ही है, जिस तरह आज से 20 साल पहले मामला थे उसी तरह के अब सारे ऐसे लगता है जैसे पब्लिसिटी
और आप इलेक्शन स्टंट खेलते हैं। इलेक्शन के दिनों में 90 दिनों में हमें ऐसा लगता है कि जब ये गवर्नमेंट आएगी तो हम बिल्कुल दोजख से निकल के जन्नत में चले जाएंगे और वहाँ पे हुए घूम रही होंगी, दूध की नहरें होंगी। लेकिन जब वो गवर्नमेंट आती है फिर वो कहती है 90 दिन, फिर वो ना उम्मीदों में हम आ जाते हैं कि अच्छा अब वो कहते हैं वो 70 साल का जो गंद है वो हम कैसे ठीक करें। भाई आपके पास भी 3.5-4 साल का वक्त रहा है, आप कुछ चीज़ें ठीक कर देते। और अब जो भी आता है वो इसी तरह हमें तो लॉलीपॉप दे रहा है, लेकिन सिपरा साहब की जो भीड़ है ना उसने आजकल हमें बहुत तंग किया हुआ है ना। यूपीएस दोनों ने ये बराबर है, मैं काम बराबर है। मैं आपने कहा कि ईएलएस को मैं ये बात करता हूँ कि आपको विफाक ने एक कोटा दे दिया। मैं मिसाल के तौर पे एक बताता हूँ, एक चीज है हमें ये गिलास पानी उन्होंने दे दिया, आपने दे दिया, आपने कहा कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये अब लेस्को को एक कोटा मिल गया, चाहे 3900 मेगा वाट मिले, चाहे 4200 मिले, जितना भी मिले उनको, जितना भी शॉर्टफॉल हो, जिसको आप लोड मैनेजमेंट का नाम दे रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा लोड मैनेजमेंट का लफ्ज़ आपको पता चल रहा है। ये लोड मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली आपको जो शेड्यूल के मुताबिक कोटा मिल गया उसमें आपने देखना है कि हमने डोमेस्टिक सेक्टर को क्या देना है, जो हमारे ट्यूबवेल्स हैं हमने उसको किस तरह चलाना है, हमारी छोटी इंडस्ट्री कमर्शियल मार्केट्स को हमने कितना कोटा देना है, और एक शेड्यूल बनाकर हमने उस पर चलना है। यहाँ क्या है कि हम शेड्यूल बना लेते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं कर पाते, उसकी क्या वजह है कि हमारा सिस्टम अफोर्ड ही नहीं करता। और ये पिछले 2 साल से ऐसी नहली और गफलत है लेस्को काम की कि आपने किसी सिस्टम पर काम ही नहीं किया। सही कि वो ओवरलोडेड सिस्टम है, जब भी आपको बिजली मिलेगी वो बैठ जाएगा। अब क्या है, रात दिन में तो फिर भी कुछ हालात बेहतर रहते हैं, रात में ये गंभीर सूरत हाल है कि आपकी मेन लाइन फेल हो रही है, आपके ग्रिड स्टेशन बंद हो रहे हैं, सार्फिन को मुश्किल हो रही है, लेकिन सब खामोशी से बैठे हुए हैं। उसकी क्या वजह है कि विफाकी हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। साहब गैस की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आपने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को 60 लाख रुपए से ज़ायद पे आपने महाना तनख्वाह पे रखा हुआ है, और ये साबिक गवर्नमेंट ने आपकी विफाकी कबीना ने उनके अप्रूवल के बाद रखा था। उनका यही काम है कि इंडस्ट्री मैं महाना तनख्वाह की बता रहा हूँ, मराद अलहदा बता रहा हूँ। अब बात सुने मेरी, आपके दोस्ती हो अपनी जगह पर, मुझे बताएं कि 60 लाख रुपया जिसको आप महाना दे रहे हैं, मुझे ये बताएं कि उसका काम यह है कि आप इंडस्ट्री को खींच दें। सही बात है, आप इंडस्ट्रियल एरिया को बंद करें और डोमेस्टिक सेक्टर को 18-18 घंटे की लोड शेडिंग करें। ये आप साई साहब किसी को भी बिठा दें वो कर लेगा। सही बात, उसको पता है कि मैंने एसएमएस पे बैठना है, मैंने कितना प्रेशर डाउन करना, कितना करना। भाई ये लाखों रुपए तनख्वाह या मराद देने का मकसद ये होता है आपका, आपके पास जो आ रहे हैं उसको मैनेज करें। आप तो अब जो मौसम चल रहा है इसमें तो पानी या चाय बनानी हो तो आप धूप में रख दें वो बन जाएगी। लेकिन ये है कि मैंने देखा है हमारे पास गैस नहीं आ रही। कल मैं गाँव गया हुआ था और हमारे गाँव के अंदर सुई गैस स्टेशन है, मेन पाइपलाइन गुजरती है जिससे वो सप्लाई हमारे गांव को मिलती है, खुशकिस्मती होती है। लेकिन पिछले तो बता रहे थे 4 दिन से बिल्कुल गैस नहीं आ रही। और अगर इस इलाके की बात करें जहाँ मैं रह रहा हूँ, लाहौर की बड़ी शाहू का एरिया, मैं आपको बताऊँ मोहम्मद नगर के इलाके में पिछले तकरीबन कोई जब से गर्मी आई है वो हम तो सिलेंडर ही इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस बहुत थोड़ी आती है, जिस पे आपने चाहे 2 कप भी बनाना हो कम से कम आपको घंटा लग जाता है। सही। ये पता नहीं कब मामला ठीक हो जाए। अच्छा मुझे वाइंड अप का इशारा कह रही है, मुझे 60 लाख पे रख लिया ज्यादा तनख्वाह पे, आपने लेस्को चीफ को 7 लाख रुपए तनख्वाह पे रख लिया, साथ में 2.5 लाख 2,70,000 रुपए महाना आप उनको पेंशन दे रहे हैं, 10 लाख रुपए में पड़ रहे हैं पेट्रोल गाड़ी वो मराद अलग। 10 लाख मुझे थोड़े पैसे पड़ रहे हैं। अच्छा अब बात ये है कि ठीक है उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग रखेंगे ऑफिसर्स को, भाई अगर साबिक गवर्नमेंट ने ये ऑफिसर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे रख भी लिया, चाहे ब्रादरीज़म पे रखा चाहे दोस्ती की बुनियाद पे रखा, वो अपना कम से कम काम तो करें, वो लोगों को सर्विसेज तो दें। ऐसी हो जाती है ना आजकल, हम बड़ी मिसालें देख रहे हैं दोस्तों की जो बड़े नवाज। इस वक्त हमेशा से हमारा रहा है कि जब भी इलेक्शन हो, जब भी कोई नई गवर्नमेंट आए, लोड शेडिंग पे बात होती है, बिजली गैस पे बात होती है। इस वक्त भी हमारा हॉट इश्यू क्या है मुल्क में चल रहा है, ये लेटर लूटर सब निकल गए हुए हैं, कोई और साजिश सब खत्म हो गई। इस वक्त हमें लोड शेडिंग, गैस और बिजली का मामला चल रहा है, पानी का मामला चल रहा है। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि जो हमने सरबराहान को बिठाया है, जिन्होंने कंपनियों को चलाना है, जिन्होंने सार्फिन की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिशें करनी है, इकदाम करने हैं, अगर वो आपने कबूतर की तरह, मैंने भी जिस तरह पहले जिक्र किया कि आंखें बंद करके बैठ जाएं, तो ये तो विफाक का मसला है ना। जब आप जवाब नहीं दे सकते तो फिर आप चुप करके बैठ जाते हैं। खैर ब्रेक ले लेते हैं नाजिन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आके अगली खबर हमने डिस्कस करनी है। ये हालात ऐसे ही रहेंगे आगे, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये अजाब आपको ऐसे भुगतना पड़ेगा, बिल भी ज्यादा आएंगे, लोड शेडिंग भी होगी और महंगाई से आप इसी तरह से परेशान रहेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। आज की खबर जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जी, जुबली टाउन में 600 बिस्तर वाले इंडस अस्पताल का इफ्तिताह किया गया है। घोर एजाज का 10 अरब अतिया डायलिसिस सेंटर बनाने का ऐलान किया गया है। और हमेशा से हम देखते हैं कि घोर एजाज साहब इस तरह के कामों में पेश रहते हैं। साई साहब आपसे आगाज कर लेते, क्या कहेंगे? बिल्कुल, घोर एजाज साहब जब भी आप देखें जिना हॉस्पिटल में, न्यू हॉस्पिटल में, जिस जगह पे भी इनकी ज़रूरत होती है इसमें बिल्कुल सही, कोई ये नहीं होता कि पीटीआई की गवर्नमेंट है, नॉन लीग की गवर्नमेंट है, और ये ऐसे लोग हैं जो शहरियों के लिए मसीहा हैं। जो मैं अभी असल में मकसद उनका एक है ना, बिल्कुल उनका मकसद एक है कि लोगों की मकसद नहीं, बिल्कुल लोगों की खिदमत करनी है। अभी देखें, मैं अभी गांव कल गया हुआ था तो वहाँ पे एक खातून आई थी, वो मुझे कह रही थी कि कैंसर के लिए वो जाती थी पहले न्यू हॉस्पिटल में, वहाँ से मेडिसिन मिलती थी, वो अब नहीं मिल रही। पिछली गवर्नमेंट ने बंद की थी, अब पता नहीं नई गवर्नमेंट इसकी पे क्या पॉलिसी लेके आती है कि किस तरह उन मरीजों को फैसिलिटेट करती है जो पहले मेडिसिन ले रहे थे, उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी या पता नहीं। एक दिन मैं खबर पढ़ रहा था कि पैसे मिलेंगे, लेकिन इस तरह के जो लोग हैं, घोर एजाज जैसे लोग हैं, शहर में बहुत कम है जो इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी तादाद में लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इसी तरह जेल में मैंने देखा है कोई एक टीम है, वो कैदियों को हर साल करोड़ों रुपया दे के उनकी रिहाई करवाते हैं जो जुर्माना नहीं अदा कर पाते। इसी तरह घोर एजाज साहब हैं, जहाँ पर भी कोई इस तरह का काम होता है हॉस्पिटल का मरीज़ों के लिए, उनकी फलाह के लिए ये भरपूर काम कर रहे हैं। और ये बड़े हौसले का काम है कि इतनी बड़ी अमाउंट देना, 10 अरब रुपए मैंने रखते हैं तो घोर एजाज साहब। और मेरे ख्याल से ये इतना ज़रूरी है क्योंकि हस्पतालों पे सिप्रा साहब जिस तरह से लोड बढ़ चुका है, मरीज बेचारे कतारों में खड़े हैं महीनों का टाइम। यही मैं बात कर रहा था, गवर्नमेंट ने अपने मनसूबे जो है वो रोक दिए हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, फलां बहाना है फलां बहाना है। और यास्मीन राशिद साहब आपको पता है खुद डॉक्टर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उस तरह लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर पाई जिस तरह उनको करना चाहिए था, क्योंकि उनको बेसिक्स का भी पता था, लोगों की ज़रूरियात का भी पता था और हॉस्पिटल्स की मुश्किलात का भी पता था। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो हमने हमेशा ये देखा है कि जो मेडिसिन मिलती थी वो रोक दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। प्राइवेट सेक्टर पर घोर एजाज साहब की तरफ से जो भी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, मेरा ख्याल है वो जूं का तूं चल रहा है, किसी जगह पर कोई रुकावट नहीं आई। हर हॉस्पिटल में मैंने देखा है, हर माह जाते हैं और वो चीज़ों को देखते हैं, उसी तरह लोगों को वो उनकी मदद करते हैं ताकि शहरियों के लिए ये जो एक काम चल रहा है कार्य खैर का, वो चलता रहे। और ये तो बहुत बड़ा काम है, उन्होंने कहा ओपन चेक की ऑफर की है तो ये हाँ, मैं भी यही चीज डिस्कस करने वाली थी। नहीं, मैंने वो वीडियो सुनी है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बुलाया स्टेज पे, तो उन्होंने कहा जी आप अनाउंस करें, तो उन्होंने कहा कि मैं तो ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं, तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं आप फिल करके दें। ये तो फिल्मों में सुना था। हाँ, नहीं उन्होंने कहा कि नहीं ब्लैंक चेक आप लें, आपने जो रखना है। तो फिर साथ में मियां शिवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं आप 2 अरब जो है वो सालाना और 5 साल में अनाउंस करें कि 10 अरब रुपये जो है वो देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस पर एग्री हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस चीज़ को मैं हमेशा ये कहती हूँ, डिस्कस करने का मकसद क्या होता है कि वो लोग जो कि ये नेक काम कर रहे हैं उनको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, दूसरे लोगों के लिए मोटिवेशन। मैं मोटिवेशन इस तरह देखें कि आप उनका एतमाद देखें गवर्नमेंट पे, देखें चोर डाकू कहना ये सियासी नारे तो हो सकते हैं, आप जिनको चोर डाकू के नाम से मुखातिब कर रहे हैं वही प्राइम मिनिस्टर अगर स्टेज पर खड़े हैं और एक बंदा अगर कह रहा है कि आप ब्लैंक चेक मेरे से ले लें, तो एतमाद आप चेक कर रहे हैं कि इस जहाँ से पैसा जा रहा है वो आपकी फलाह पर लगना है, आवाम की फलाह पर लगना है। इसलिए मेरे ख्याल में इस तरह के मुखय्यर हजरात जो हैं वो अगर आगे बढ़ें तो होता है। मुझे बताएं जब से आपकी नई गवर्नमेंट आई है हॉस्पिटल लाहौर में, मेरे ख्याल में आपके किडनी हॉस्पिटल का में शिवाज शरीफ साहब गए, इसके साथ एक मुझे उसका नाम जहन में नहीं आ रहा है, कोई मेमोरियल हॉस्पिटल उसका भी इफ्तिताह इन्होंने किया है एक 10 दिन पहले, कुछ दिन पहले किया। उसके बाद ये आप देखें ये हॉस्पिटल भी आ गया, इंडस हॉस्पिटल। अब बताएं कि ये ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसको हम हमेशा डिबेट करते हैं कि हुकूमत आने वाली हमेशा कहती है तालीम और सेहत हमारी बुनियादी तरजीह होगी। अब तलीम अपनी जगह में रहेगी, वो यकसा होती है नहीं होती वो तो बात की बात है, वो तो प्राइवेट सेक्टर माफिया बैठ गया उस पर। सेहत ऐसी चीज़ है कि हॉस्पिटल में अगर एक आम शहरी जाए, गरीब गुरबा मतवस्त तबका से रखने वाला ताल्लुक जो भी है वो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाएगा। बिल्कुल। और अगर उसको वहाँ से अद्वियात मिल जाएँ, उसको डॉक्टर्स अच्छे तरीके से चेक कर लें, तो मेरे ख्याल में वो मुतमिन होकर वापस आ जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना आम शहरी के बस में नहीं है। और फिर जहाँ इस वक्त महंगाई चली गई है, आपकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो रही, बिजली के बिलों की अदायगी, उसके बाद आप गैस 40-50% बढ़ रही है, 200 वाला बिल जो है 800 रुपये पर चला जाएगा गैस का भी। बिल्कुल।
अब वो किस तरह अदायगी होगी, मुझे ये बताएं कि इन तमाम चीज़ों में अगर इस तरह के कुछ लोग अगर मौजूद हैं जो आवाम की फलाह के लिए, उनकी सेहत के लिए काम करते हैं, तो मेरे ख्याल में हमें उनके लिए दुआ गो भी होना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल, ताकि आने वाले कल में भी वो इसी तरह के फलाही काम जो है वो करें। बिल्कुल, और ये फलाही काम करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और जिस तरह की ऑफर साहब ने की कि ओपन चेक दिया, एक बड़ी मिसाल कायम की है। मकसद साफ नज़र आ रहा है कि उनका मकसद कोई भी गवर्नमेंट हो, सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो गरीब लोग जो कि इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलियात चाहते हैं, उन तक ये सहूलियात पहुंच सकें, इसके लिए वो हमेशा पेश रहते हैं। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगली खबर क्या है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी तो नाजीन, अच्छी खबर लाहौरियों के लिए है कि डबल डेकर बस के नए रूट का आगाज हो गया है। वैसे देखने में बहुत खूबसूरत ये बस लगती है, और फिर मौसम सुहाना हो, आप शहर लाहौर का सफ़र करें, ख़ास तौर पर अगर आपको अंदरून शहर हमारी बादशाही मस्जिद मीनार पाकिस्तान वाली साइड का विज़िट कराया जाए तो बड़ा खूबसूरत मंजर देखने में आता है, और असल लाहौर क्या है वो आप देखते हैं। शायद सिप्रा साहब क्या कहेंगे, धूप पे चकी में बैठी है। नहीं, मैं मौसम तो पहले कहा है, मैंने मौसम अच्छा हो, मैंने पहले कह दिया मौसम अच्छा। अरे दरख्त लब दे फिरने गड़ियां वास्ते ही गला ले। मैंने पहले कहा मौसम अच्छा। आज तो नहीं, ये दो चार हफ्ते तो नहीं करना चाहिए, तो उसके बाद आने वाले दो महीनों में तो सवाल ही नहीं पैदा। अभी मैं देख रहा था सुबह वेदर रिपोर्ट, तो उसमें 47 पर 46-47 और फील उसका 49 ही होगा। वो हमेशा 3-4 फिर आप आना जरूर जाइएगा। नहीं, आप तो अभी जाए मेरे ख्याल में। अच्छा देखें, बेसिकली जो हकूमत का काम है कि सियाहत को जो है वो फ़रोग देना है, और सियाह लोग जो जहाँ पे आएँ, और ये जो डबल डेकर बसेज हैं इस पर आपको देखें स्कूल के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, आप बच्चों को लेकर जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग तलबा और तालबात हैं वो जाते हैं। बेसिकली मकसद क्या होता है कि आपको आप जो तारीख़ है, जिस तरह आपने जिन का जिक्र किया, मीनार पाकिस्तान का, बादशाही मस्जिद, शाही किला, ये तारीख़ है एक, उसके बाद म्यूज़ियम है हमारा, चिड़ियाघर, सियाहत यहाँ तक ख़त्म हो जाती है, जो बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ तक महदूद हो जाते हैं, उसके बाद फिर पैकेजेस और इम्पोरियम और फिर लिबर्टी, ये और चीज़ आ जाती है, मम्मी डैडी बच्चों ये मम्मी डैडी लोग जो है ना वो यहाँ पे आ जाते हैं, स्कूल के बेसिकली बाहर टूर जाते हैं। बागा जिना हद, जब मैं आया था, जब मैं खुद बता देता हूँ, मैं खुद पहले दादा साहब जाते हैं, नहीं दादा साहब तो हमें नहीं ले गए, पाकिस्तान जब मैं आया था, मैं उस वक्त 6ठी क्लास में था, तो जब हमें लेकर आया था तो मीनार पाकिस्तान, शाही किला, बादशाही मस्जिद, म्यूजियम, चिड़ियाघर, और उसके बाद जिना गार्डन में हमने बैठ के रोटी खाई, नहीं ऐसे टिकट जरूर लेके आए, उसके बाद हम वापस चले गए। बेसिकली ये तमाम जो मकामात हैं इनको ये तारीख के साथ मुंसलिक हैं, एक तारीख है, बादशाही मस्जिद की अपनी तारीख है, शाही किला की तो फिर उसके दरवाजे, और उसके बाद अंदरून लाहौर के जो दरवाजे हैं इनकी अपनी तारीख है, तो वो तारीख से रोशनास करवाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। फिर ये बस एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, फिर उसमें अब के 50% किराया जो है उसमें रियायत दी जा रही है, उसका क्या मकसद है कि लोगों को उसकी तरफ रागिब करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। और मेरे ख्याल में स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और ये जो तलबा तलबात हैं, बच्चे हैं, इनको ज़्यादा इस पर फोकस करना चाहिए, ये लोग जाएं इस तरह के ट्रिप जो है वो करें। टूर जाते भी, लेकिन अब तो क्योंकि छुट्टियां, तो वीकेंड्स में फैमिली के साथ आप शाम के टाइम, लेकिन वेदर को देख के शाम के टाइम, फिर नहीं शाम में भी नहीं, आप देखें आजकल जो परसों जो आपके महकमा मौसमियान ने जो कहा कि हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम है, आपके टेम्परेचर इस तरफ जा रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि घरों तक महदूद रहे, गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले, आप शाहराहों पर देखें कि वो उनका जो हीट है वहाँ से किस तरह नज़र आ रही है, तो मेरे ख्याल में वेदर के साथ हमें चलना चाहिए। बाकी बात रही कि ये गवर्नमेंट जो कर रही है इसको, ये काबिल तहसीन है, लेकिन ये उस वक्त होगा जब आपका वेदर अच्छा हो जाए, और देखो शुरू हो जाएगा, बारिशें शुरू हो जाएंगी, फिर आप इंजॉय करें, फिर आप जो है जो नेचुरल है, अगर 43 है तो आपको पता है यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ कितनी हैं, फिर ट्रैफिक जहाँ पे जैम हो जाए वहाँ पे तो खड़ा नहीं हुआ जाता, तो उसकी वजह से गर्मी ज़्यादा हो जाती है, और शहर लाहौर में तो हाँ, लेकिन फिलहाल इसके ऐसे इसलिए नहीं फायदा होगा, वेदर कंडीशन ऐसी है नहीं, लेकिन चलें जी आगे, लेकिन डिसीजन अच्छा है, हाँ, डिसीजन आप उनको रियायत दे रहे हैं, और महंगाई के साथ उसको अगर मुंसलिक हम लोग करें और मौजूदा जो हमारा हालात जा रहे हैं इसके साथ इसको देखा जाए तो अच्छा डिसीजन है कि आप किराओं में कम लेकिन कर रहे हैं। इसको मौसम की बेहतरी के साथ भी इसी डिसीजन को बरकरार रखें तो लोगों को फायदा होगा। अभी एक अपडेट आप तक पहुंचानी है, वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है,
और आपको बताएं कि जी वफाकी वजीर सालिक हुसैन शाफे हुसैन से मुलाकात हुई है, बाहमी दिलचस्पी के मूड में तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई है। मुलाकात के मनाजिर आपके सामने हैं, उमर असलम ने हमें ज्वाइन किया है। उमर, डिटेल्स बताइए मुलाकात की। जी उमर, अपडेट कीजिएगा। की मुलाकात हुई, इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में भारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान अकदस में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत की गई। वज़ीरे आला पंजाब का कहना है कि भारत ने बीजेपी की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकदस से गुस्ताखी की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। किसी भी महजब माशरे में अनवे तरह की शान में गुस्ताखी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। उन हमजा शहबाज का कहना था कि बीजेपी रुकन खातों की फर्जा तराई से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। इस्लामोफोबिया के नतायज नफरत अंगेजी की सूरत में सामने आ रहे हैं। ठीक है उमर, आपका बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। खबर है जी, लाहौर का बड़ा हॉस्पिटल है जनरल अस्पताल, जहां पर ये अफसोसनाक वाकया कल पेश आया। नौ मौलूद बच्चा अगवा कर लिया गया और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। शहर के अस्पतालों से ये वाकयात बार बार रिपोर्ट होते रहते हैं और फिर आपको पता चलता है कि फलां जगह पर वो जो कैमराज आपको लगे नज़र आ रहे हैं उनके अंदर बैटरीज मौजूद नहीं है, वो बंद पड़े हैं। शायद सिपरा साहब क्या कहें? देखिए, हमने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि ये सिपरा साहब ने अभी कहना ये पुलिस का कसूर है। नहीं, मैंने पुलिस अभी को नहीं डाल रहा, लेकिन ये सबसे पहले अस्पताल जितना मैंने मेरी बीट ने इनको तंग कर लिया, बंदा नहीं है किसी बात करना। ये बेसिकली हॉस्पिटल इंतजामिया, देखें आपका एक नर्सरी रूम आपने या वार्ड बना रखा है, वहाँ पर बच्चों को रखा गया है, जच्चा बच्चा एक वार्ड है वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, अगर उनके लवाहिकीन आएँ, उनके कुछ लोग रिश्तेदार अजीज़ व अकारिब आएँ, तो उनको तो हॉस्पिटल इंतजामिया का गार्ड खड़ा होगा, वो रोक देगा, वो नहीं जाने देगा। ये जो माफिया है जो इस तरह बच्चों को वहाँ से अगवा करता है और लेकर जाता है, ये मुमकिन ही नहीं है कि आपकी हॉस्पिटल की इंतजामिया उन वहाँ की जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो उसमें मुलविस ना हों। मुझे बताएं कि एक आम शहरी है, उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई, उसको किसी जगह पर रखा गया नर्सरी वार्ड में या कोई भी उसका वार्ड है जहाँ पे उसको रखा गया है, वहाँ जाए एक खातून और कहे कि मैं इस ये बच्चा जो है इसकी मैं इसका ख्याल रखती हूँ, तो आप कोई मेडिसिन लेकर आएँ या कुछ होता, इसी तरह ही है कि अगर उसका वालिद बैठा है उसके पास, बच्चे के पास अमूमन ये होता है कि जो उनकी मदर्स हैं, जो माँ है बच्चे की, वो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, वो बच्चे के पास अमूमन नहीं होती। होता ये है कि बाप हो गया या नानी दादी जो है वो मौजूद होती है, उसको अगर कह दिया जाए कि आप ये मेडिसिन लेकर आएँ और जो हॉस्पिटल में मौजूद जो उनके अजीज़ व अकारीब होते हैं पेशेंट के, ये उनकी तरजीह होती है कि उनको कोई अद्वियात कहें तो वो फ़ौरन ले आएंगे। ये किस तरह करते हैं शाही साहब, एक मिनट आप दीजिएगा, ये किस तरह करते हैं कि ये जाते हैं उनके पास, एक बंदा ये औरत गई, उन्होंने कहा कि आप ये मेडिसिन लेकर आएँ और तब तक हम आपके बच्चे का ख्याल रखते हैं, वो लोग मेडिसिन लेने के लिए निकले, पीछे से बच्चा अगवा हो गया। नहीं, ऐसे में कोई तो इंतजाम नहीं होता। मैं वही कह रहा हूँ, हम लोग अगर उनको उनको मुबारकबाद देने के लिए जाएं या उन तक अजीज़ अकारिब जाएं तो वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये माफिया वो दरवाजे और वो राहदारियाँ क्रॉस करके किस तरह पहुँच जाते हैं। लेकिन ये देखें, लेबर रूम से बच्चे को डिलीवर करते हैं, शिफ्ट करते हैं नर्सरी में या किसी भी जगह पे, तो ये तो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की, वहाँ पे जो दो चार लोग डॉक्टर के अलावा जो इनके पैरामेडिक्स के या दीगर लोग मौजूद थे, ये उनकी जिम्मेदारी है। और इतना छोटा बच्चा, अभी नौमौलूद बच्चा, आप किसी को दे कैसे देते हैं? और ये कोई और ये पहला दो तीन मिनट नहीं लगते शायद, सिपरा साहब अंदर गए हैं, पूरी इस वारदात को एक टाइम लगता है। और ये कैसे, ये कोई पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी हॉस्पिटल में वाकया हुए हैं, गंगाराम से हुआ, ये जिनाह से हुआ, इस तरह के वाकया होते रहते हैं। इसमें फिर एंड पे यही चीज़ निकलती है कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो इसमें मुलव्वस होते हैं। और ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि जो माँ अभी जिसने अपनी बेटी या बेटे को देखा भी नहीं और उसको आप अपने शीर खार से इस तरह अलहदा कर देते हैं कि वो
पता नहीं अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी सिचुएशन कैसी थी, आपने पैदा होते अब मिलेगा नहीं मिलेगा, आपने खुद ही सवाल छेड़ दिया, ये फुटेज सामने है, अब पुलिस का इस पे क्या रोल होता है मुझे ये बता दे। पुलिस तो पुलिस की वहाँ पे एफआईआर करना उनका रोल होता है बस, हो गई नहीं नहीं इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस ने, बच्चे बाजियाब कराए सिप्रा साहब ये नीचे वाली खबर में देखे, ये 5 साल हरीज भी पुलिस ने बाजियाब कराया, ये वापटा वाले नहीं गए थे, इस पे प्रेशर प्रेशर था कितना, एक चीज होती है कि चोरी डकैती पे हो सकता है पुलिस का इतना सख्त रवैया ना हो कि चीजें उनसे कंट्रोल नहीं होती, लेकिन जो इस तरह आप मुझे बताएंगे आपके सीएम ने किस तरह फॉलो किया इस केस को, मुझे वो बताएं लोगों को इसमें सारी पुलिस को किस तरह उन्होंने फॉलो किया ये बताएं, सारी मशीनरी पुलिस की है, वजीर आला ने किस तरह फॉलो किया इस केस को ये बताएं, क्योंकि ये रोजाना सुबह सुबह आईजी पंजाब ये बताएं ना साहिब साहब, मैं कुछ और पूछ रहा हूं शायद सिप्रा साहब का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल वैलिड है, वजीर आला ने वजीर आला मियां हमजा शहबाज शरीफ ने साई साहब को पता है किस तरह फॉलो किया है, उन्होंने सीसीपीओ को डीआईजी को किस तरह कहा है कि इसकी रिकवरी होनी चाहिए और कितने घंटे में होनी चाहिए और दिन में कितनी कितनी दफा उनसे बात होती थी, साई साहब इस बात को तायद करेंगे। हाँ, बिल्कुल ये होता रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये टेस्ट केस बन गया था, आने वाली गवर्नमेंट के लिए एक ऐसा चैलेंज था जिसको ये करना जरूरी था, फिर कड़ियां मिलती मिलती फिर जिस जगह से ये अगवा हुआ था वो अभी एक बात कर रहे थे कि मज़ाफ़ात में लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है, इसी तरह जो केस हाईलाइटेड होते हैं, जो केस मीडिया पे आ जाते हैं, जो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं और ये दिल दहला देने वाले केस सोशल मीडिया पे, तो मीडिया पर ये भी केस आ गया है जिस तरह ज़ैनब भाई साहब, छोटा केस नहीं है, मैं यही कह रहा हूं और पहला वाकया नहीं है, तो इस पे देखिएगा सारी मशीनरी बड़ी है, पुलिस सारी काम कर रही होगी, मेरा ख्याल है आज या कल तक ये ट्रेस करेंगे। चलिए जी, हम दुआ कर सकते हैं, मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है, थैंक यू सो मच नाज़िम, ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम के हिस्से में जी, हम बात करने वाले हैं क्योंकि बार बार कहा जा रहा है मौसम है, मौसम शदीद गर्म होता चला जा रहा है, हीट वेव बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन की जा रही है, आगे जाके इसका सामना आपको मजीद करना पड़ेगा, स्टिल कर भी रहे हैं। अब धूप की शिद्दत जो है वो आपकी स्किन को किस तरह से मुतासर करती है, कुछ लोग कहते हैं उनकी स्किन पर रेड पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों की स्किन पर वो रेड पैचेस जो हैं वो फिर काले निशानों में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। मौसम की इस शिद्दत से किस तरह से अपने आप को महफूज रखना है और इसके साथ साथ वो लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उनको किस तरह से केयर करनी है, पानी का इस्तेमाल बहुत सारे लोग बार बार कहते हैं कि जी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश रख सकता है, कितना रोल पानी प्ले करता है और इसके अलावा आपको गर्मियों में स्किन की केयर किस तरह से करनी है, हमारे साथ हमारी आज की मेहमान मौजूद हैं, ताज़ा होंगी डॉक्टर मोमिना ने भी ज्वाइन किया, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, खुश आमदीद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अस्सलाम, क्या हाल चले आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, इतनी गर्मी में हमारे बुलाने पर आप आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आप कब आएंगी और कब उनको इतने ज़बरदस्त मशवरे देंगी। खैर, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सबसे पहले तो नॉर्मल स्किन की हम बात कर लेते हैं कि स्किन की केयर क्या होती है गर्मियों में, आप किस तरह स्किन की केयर कर सकते हैं? सो गर्मियों में बेसिकली क्योंकि धूप है, हीट है, स्किन पे ऑयल आ रहा है, ट्राइंग वॉशिंग योर फेस जेंटल से फेस वॉश या क्लेंजर से, दिन में 2 से 3 मरतबा फेस वॉश से धोइए चेहरा, उसको मॉइस्चराइज, अच्छा लोग कहते हैं गर्मियों में मॉइस्चराइज ना करें, लेकिन गर्मियों में भी स्किन को मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है, लेकिन आप वाटर बेस्ड लाइट वेट जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र की तरफ चले जाइए, स्किन को वॉश करिए, मॉइस्चराइज़ करिए और सन ब्लॉक का इस्तेमाल करिए, अंदर भी बाहर भी, ऑलवेज यूज़ अ सन ब्लॉक। तो ये बेसिक केयर है जो हर किसी को स्किन की करनी है, अक्सर क्या होता है काम करते हुए खवातीन अपने कपड़ों से स्वेटिंग हो रही होती है, साफ कर ले उत्तर रेड पैचेस पड़ जाते हैं, बाद में आपको स्पेसिफिक एरिया पे जलन सी फील होना शुरू हो जाती है और फिर वहाँ से ही आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो मुझे बताइए क्या करना है इसका? सो पसीना स्वेट डेफिनेटली इज़ एन इरिटेंट, आपके पसीने के अंदर इरिटेंट केमिकल्स हैं, कोशिश करिए साफ मलमल के कपड़े से या टिश्यू से डैब करके ड्राई करिए, जिस कपड़े पे आप खाना पका रहे हैं या बाहर की डस्ट मिट्टी लगी हुई है जब उससे आप रगड़ेंगे तो ऑब्वियसली इरिटेशन होगी। कॉमनली आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट ये है कि जैसे ही हम धूप में निकलते हैं तो रेड दाने बनने शुरू हो जाते हैं चेहरे के ऊपर, एक्नी सबकी ट्रिगर हुई हुई है इस वक्त, तो दाने सब, सो हमेशा प्रोटेक्शन इसकी आप सन प्रोटेक्शन करें, गर्मी में भी चेहरे को कवर करें,
जैसे हम कहते हैं ना कि जी आप नरम मलमल के दुपट्टे से या लॉन के दुपट्टे से ट्राई कवरिंग योर फेस, ट्राई गेटिंग एन अम्ब्रेला, छतरी जरूर लेके आप देखें बच्चियाँ ये कॉलेजेस में उन्होंने छतरियाँ पकड़ी होती हैं इसीलिए पकड़ी होती हैं, नहीं तो इतनी गर्म हीट आपको रेडनेस भी करेगी, आपका रंग भी ख़राब करेगी और स्किन को झुलसा भी देगी। फिर बहुत कॉमन लोगों को सन बर्न्स हो जाते हैं, लाइक मुझे हर दूसरे तीसरे दिन आई एम गेटिंग पीपल विद सन बर्न्स कि जी कॉलेज गए यूनिवर्सिटी गए सारा ये चेहरा जला हुआ है, जब इनिशियली वो जल के रेड हो जाता है एट टाइम्स स्किन भी उतर जाती है, तो जब वो स्किन आपकी उतरेगी तो उसके बाद वो सारा का सारा डार्क पिगमेंटेशन जिसको हम मिलाजमा छाइयाँ कहते हैं, तो एक वजह उसकी सनलाइट भी है छाइयों की वजह, मल्टीपल वजूहत होती हैं लेकिन छाइयों की एक वजह बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर भी है, पिगमेंटेशन आपको सन एक्सपोजर से ही आती है। सो आप कवर करें, आप अच्छा वही बात अपनी इस गर्मी में अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, नमक वाला पानी, निमकोल रखें, लेमोनेड पास रखें, पानी रखें, कीप योर स्किन हाइड्रेटेड। अगर आपकी स्किन इस गर्मी में डिहाइड्रेट होगी तो तब वो और डैमेज भी होगी। सही, तो मुझे ये बताएं बड़ा लोग कहते हैं अगर आप जूसेस लें, फ्रूट्स खाएं, पानी का इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश रहती है, क्या वाकई ऐसा है? डेफिनेटली बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास नेचुरल मल्टी वाइटमिन हैं, B12 है, फॉलिक एसिड है, आयरन है, सो यस आपकी स्किन हेल्दी भी रहती है। जितना आप स्किन को हाइड्रेट रखेंगे गर्मी में वैसे ही 12 से 14 ग्लास पानी तो मस्ट है, यानी आपने हर आधे घंटे बाद एक ग्लास पानी का पीना है और इतनी गर्मी है तो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर आप नहीं पी रहे हैं तो आपकी स्किन को डिहाइड्रेट कर रहे हैं, डिहाइड्रेटेड स्किन के ऊपर लाइन्स भी ज़्यादा जल्दी आएंगी, स्किन डैमेज भी ज़्यादा लगेगी, डल भी ज़्यादा लगेगी। सही, अब कुछ लोगों की मजबूरी है उन्होंने वैक्सीन भी करानी है और फिर इस मौसम के लिहाज से उन्होंने स्किन की केयर भी करनी है और ये जब चीज़ें की जाती हैं उसके बाद स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है और इस मौसम में आप ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, अल्टरनेट कुछ इसका मौजूद है? अल्टरनेट ना हम यही कहते हैं कि जब बहुत अगर मोटा बाल हो तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप लेज़र पे स्विच ओवर कर जाएं अगर मोटा बाल है, बल्कि इस गर्मी में हमने लेज़र की भी एक्चुअली एनर्जीज घटा दी हुई हैं। जितने पेशेंट्स मेरे पास क्लिनिक में आ रहे हैं जिनका रेगुलरली लेज़र सेशन चल रहे हैं हमने उनकी भी एक तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि शाम के टाइम पे आइए जब बाहर धूप ना हो, एक हमने वो कर दिया। उसी तरह आई रिक्वेस्ट पेशेंट्स इज़ वेल कि अगर आप वैक्सीन भी करवा रहे हैं या सैलॉन विजिट है कुछ भी करवा रहे हैं ट्राई गोइंग इन द इवनिंग्स, शाम में जाइए जब बाहर धूप नहीं है, उसके बाद चेहरे को आइस करिए ठीक है इमीडिएटली। जिस तरह अगर आप वैक्स भी करवा रहे हैं ऑब्वियसली हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो लेज़र करवाए या सब कुछ करवाए, आप अपने चेहरे को आइस करिए, नेचुरल एरोवेरा जेल जिसको हम कुवार गंदल कहते हैं पौधे वाली, नॉट द बॉटल्ड वन, मतलब आई डोंट लाइक द बॉटल्ड वन, लेकिन कुवार गंदल को आप उसको पौधे को काट के उसको फ्रीजर में रखिए, जेल को उसको चेहरे पे लगाइए अनलेस एंड अंटिल आपको उससे कोई एलर्जी नहीं है, ऑल्दो 90-95% लोगों को बिल्कुल नहीं होती, वो सूद करता है। रोज़ वाटर फ्रिज में रखिए, उसको फेस पे स्प्रिंकल करिए, वो भी स्किन को काम डाउन करता है। ये सारी वो चीज़ें जो नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक हैं, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेंगी, बहुत हेल्पफुल होती है समर्स में। आपका एलोवेरा भी सूद करता है, रेडनेस को जो आप कहते हैं रेड दाने निकल आए, स्किन इरिटेट हो गई, ड्राई पैची हो गई, प्लस रोज वाटर भी बहुत सूट करता है। ठीक है, इसके अलावा हम बार बार कहते हैं कि आपने मॉइस्चराइज करना है अपनी स्किन को, क्लेंजिंग करनी है, अब उसका भी एक प्रॉपर तरीकेकार होता है ना, लोग जोर जोर से करके बाद में जोर से टॉवल से मुंह साफ कर रहे हैं वो प्रॉब्लम हो जाती है, इसका प्रॉपर तरीकेकार क्या होता है ये भी बता दीजिए। तो बेसिकली जेंटल क्लेंजिंग, अगर आप मेकअप इस्तेमाल करें, कोशिश मेरी होती है कि मैं कहूँ कि समर्स में कोशिश करें मेकअप ना इस्तेमाल करें, पसीना आएगा और पोर्स क्लॉग होंगे, लाइट वेट चीज़ सनब्लॉक टिंटेड ले लें, बीबी क्रीम या सीसी क्रीम ले लें जिसमें हल्का सा टिंट है एंड देन यू कैन जस्ट पाउडर योर फेस, बहुत ज़्यादा ना करिए मेकअप का इस्तेमाल। बेस या फाउंडेशन करेंगे स्किन क्लॉग होगी, दाने निकलेंगे, स्किन ख़राब और इरिटेट होगी, पसीना आएगा तो डेफिनेटली स्किन क्लॉग होगी आपकी। तो क्लेंजिंग आपने करनी है, ऑलवेज गो फॉर अ जेंटल फोमिंग क्लेंजर, हाइड्रेटिंग क्लेंजर, माइसेलर वाटर मिलता है, कॉटन पैड पर रख के वाइप्स ना इस्तेमाल करिए, कॉटन पैड पर रख के आप जेंटली बहुत ज़ोर से रगड़ेंगे तो आपका स्किन भी डैमेज होगी, लाइंस भी जल्दी आएंगी। आप माइसेलर वाटर से रिमूव करिए, जेंटल फोमिंग क्लेंजर से फेस को वॉश करके, ऑलवेज पैड ड्राई, रगड़ रगड़ के ना ड्राई करें, टॉवल से भी पैड ड्राई करेंगे या जस्ट लेट इट एयर ड्राई, आप हवा के साथ उसको खुश्क होने दें चेहरे को, और उसके बाद यस मॉइस्चराइज एंड ऑलवेज पुट ऑन अ सनब्लॉक। हमेशा मैं कहती हूँ कि सनब्लॉक किस टाइप का होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट टाइप के अवेलेबल है, हम किसी ब्रांड को नहीं आपको बताएंगे लेकिन आपको सनब्लॉक लेते हुए किन चीज़ों का ख्याल करना है ये बता दें। एक होते हैं जेल बेस्ड जो गर्मियों में आते हैं, उसके आगे SC जेल लिखा होगा, सीबम कंट्रोल जेल, ठीक है। ज़्यादातर गर्मियों में सबकी स्किन ऑयली की टुवर्ड्स जाती है, 80% लोग आप कहें कि जी हर कोई कहता है स्किन ऑयली हो रही है, सो दैट इज़ अ सीबम कंट्रोल जेल, वो आपके चेहरे पे ऑयल आने से भी रोकेगा, जेल बेस्ड है, समर्स में यूजुअली हम जेल बेस्ड कहते हैं। जिन लोगों की स्किन ड्राई है वो जो है जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड बेस्ड जिनको मिनरल सनस्क्रीन्स कहते हैं वो इस्तेमाल करें।
अच्छा, उसके साथ यही है कि सनब्लॉक हर दो दो घंटे के बाद आप लगाइएगा, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। इफ़ यू आर गोइंग आउट, घर के अंदर है तो बेशक आप दिन में दो दफ़ा भी लगा लें, लेकिन जब बाहर जा रहे हैं तो सनब्लॉक का फ़ायदा तभी है जब आप हर दो घंटे के बाद लगाएंगे। सो एनीथिंग दैट इज़ SPF 30 और अबव, एक SPF ज़रूर लिखा होता है, हर कोई कहता है ये क्या है। जो आपके मेकअप प्रोडक्ट्स में SPF 12 SPF 15 है उसका फ़ायदा नहीं है, आप SPF 30 या अबव लेंगे। ठीक है, ठीक है, 30 इज़ अ मस्ट, 30 मस्ट है और इससे अबव लेने। अच्छा जी, इसका डिफरेंस भी बता दें, 30 और इससे अबव में डिफरेंस क्या होता है? सो दिस इज सन प्रोटेक्शन फैक्ट, कुछ SPF 30 होते हैं, कुछ SPF 50 होते हैं, कुछ SPF 100 होते हैं। सो हमारी स्किन की नीड के लिए SPF 30 या SPF 50 इज़ फाइन। इतने लंबे चौड़े बात में अगर हम ना जाएं तो SPF 30, 40, 50 इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ज़रूरी नहीं कि आप SPF 100 की तरफ ही जाएं। एनीथिंग दैट इज़ SPF 30 इज़ फाइन, जिस पर लिखा हो जी SPF 30, दैट विल गिव यू एडिक्वेट सन प्रोटेक्शन। लेकिन वही बात आई ऑलवेज टेल, पहले सनब्लॉक लगाएं, खवातीन दुपट्टे से कवर करें, आदमी कैप पहने, ज़रूर पहने, क्योंकि आदमियों को स्पेशली अब जिस तरह ये मई जून वो गंदम की कटाई वाला सीज़न था, बहुत एक्सटेंसिव सन एक्सपोजर रहा है। तो आप देखें बाहर भी गाँव वगैरह में लोगों ने कपड़े से कवर किया होता है अपने चेहरे को जब वो करे होते हैं। फिजिकल प्रोटेक्शन इज़ मस्ट, सनब्लॉक लगाने के बाद भी आप छतरी लें या दुपट्टे से कवर करें, कोशिश करें कि सनलाइट डायरेक्टली हिट ना करे। सही। अच्छा जी, डिफरेंस क्या है मेल और फीमेल स्किन में, क्योंकि हम देखते हैं ज़्यादा हमेशा खवातीन की स्किन जो है वो ज़्यादा मुतासर होती हैं, मर्दों की स्किन जो है वो कंपैरेटिवली उस तरह से क्यों ऐसा होता है? आदमियों की स्किन यूजुअली इज़ मच मोर थिकर एज़ कम्पेयर टू वुमेन, और उसके अलावा खवातीन का ये है कि सिर्फ एक वजह नहीं होती है, उनके हार्मोनल चेंजेस हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, खून की कमी। पाकिस्तानी खवातीन में सबसे ज़्यादा जो डिफिशेंसी है वो आयरन डिफिशेंसी एनीमिया इज़ कॉमनेस्ट, तो उस वजह से जो चेहरे पे निशान पिगमेंटेशन, आयरन डिफिशेंसी एनीमिया मेरा ख्याल है हमारे पॉपुलेशन में सबसे कॉमनेस्ट वजह है ऑफ पिगमेंटेशन एंड डलनेस ऑन द फेस एंड सन डैमेज, हीट डैमेज। वाई? बिकॉज सारा दिन खवातीन किचन में होती हैं, आदमी ऑब्वियसली बाहर जाते हैं काम करते हैं, लेकिन डायरेक्टली इतना सनलाइट एक्सपोजर अगर जो ऑफिस वर्कर्स हैं वो नहीं हो रहा, बट एनी वन हुज़ अ हाउस वाइफ है, इवन नॉट इवन हाउस वाइफ, खवातीन ज़्यादातर किचन में हीट के सामने होती हैं। तो वो किचन की हीट इज़ समथिंग कि बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को डैमेज करती है। हीट किसी भी तरह की होगी, आपका कॉन्स्टेंट एक्सपोजर, एक दफ़ा का एक्सपोजर एक अलहदा चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा, जिस तरह लोग कहीं बीच पे जाते हैं या बाहर जाते हैं कहते हैं हम जी सनबर्न होके आ गए बिकॉज द सनलाइट वॉज टू मच, लेकिन ये डेली का आपका एक्सपोजर है जो कि क्रॉनिक डैमेज कर रहा है आपकी स्किन। सही। एक बहुत कॉमन चीज़ है जो मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ डॉक्टर साहिबा, मार्केट में डिफरेंट क्रीम्स अवेलेबल हैं, लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, और अब ये जो मौसम आ रहा है ना इसमें उन लोगों की स्किन ऑलमोस्ट तबाह हो जाती है। मुझे बताइएगा इसको हमने किस तरह से रोकना है, कितना नुकसान है इन क्रीम्स का, आपकी स्किन के साथ क्या करते हैं? देखिए, ओवर द काउंटर फेयरनेस क्रीम नहीं लेनी है। वाई? बिकॉज मार्केट हो रही है, अब वो हम नहीं रोक सकते, बिकॉज ऑल दीज कंपनीज दे हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, वो अपना इश्तेहार भी देंगी और आपको दिखाएंगे कि जी महीने बाद हम तो शदीद गोरे हो गए, और अब मतलब अब वो प्रमोट कैसे करते हैं। अच्छा, हो भी जाते हैं लोग गोरे? नहीं, बिल्कुल हो जाते हैं। सीरियसली? आई एग्री, बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन देखिए वही बात, हम गोरे हो गए, अच्छी जॉब मिल गई, शादी हो गई, दिस इज हाउ दे प्रमोट इट एंड दे आर टेकिंग बिग एक्ट्रेसेस टू प्रमोट इट, राइट? बट ये चीज़ अब मेरा ख्याल है लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि जितनी फॉर्मूला क्रीम्स हैं, ये जितनी क्रीम्स हैं इनके अंदर स्टीरॉयड है, इनके अंदर मर्करी है, इन द लॉन्ग रन आपकी स्किन को डैमेज करेंगे, जिल्द को पतला करेंगे, जिल्द पे बाल आएंगे, छोटी छोटी खून की रेड नालियां, अगर आप देखें तो स्किन रेड हुई होती है यहाँ से, और छोटी 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 खून की नालियां प्रोमिनेंट होती है, रेड 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 लाइंस होती हैं, ये सारी स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम्स, मर्करी बेस्ड क्रीम्स के साथ होती हैं, अक्सर बैन होती हैं, अक्सर बंद होती हैं क्रीम्स, लेकिन फिर से वापस आ जाती है मार्केट में। विटामिन सी का इस्तेमाल करिए, विटामिन सी के सीरम्स हर जगह अवेलेबल हैं, लोकल भी, इम्पोर्टेड भी, आपकी प्राइस रेंज में है, 1500 से लेके 3000 की प्राइस रेंज में एक अच्छा विटामिन सी का सीरम मिल जाता है। ठीक है, आप सुबह चेहरा धो के मॉइस्चराइज करके विटामिन सी का सीरम लगाइए, उसके ऊपर आप सनब्लॉक लगाइए। आप ये करेंगे, विटामिन सी आपके सनब्लॉक के असर को भी पोटेंशिएट करता है, आपको सन डैमेज से भी रोकेगा, एंटी एजिंग भी है, पिगमेंटेशन को भी कम करेगा और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। ट्राई गोइंग फॉर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जिसमें लिकोरिस है, आरब्यूटिन है। जब आप क्रीम खरीदेंगे तो आपने ये चीज़ देखनी है। एक प्रोडक्ट हुआ करती थी हाइड्रोक्यूनोन, आई थिंक ये हर एक ने लगाई हुई है अपने चेहरे पे पिगमेंटेशन के लिए, छाइयों के लिए। हाइड्रोक्यूनोन बेस्ड क्रीम नहीं लगानी है चेहरे पे, वो बेहतर करने की जगह डैमेज करती है। इंटरनेशनली बैन हो गया वह इंग्रेडिएंट, ये हमारे पास
बस सैडली हमारे पास हर जगह मिल रही है ये क्रीम्स, और लोग जब मिक्स करके वो क्रीम बनाते हैं उसमें भी ये ज़रूर डालते हैं, शुरू में चेहरा बहुत साफ़ हो जाता है बिकॉज आपकी जल्द पतली कर रहा होता है बेसिकली, वो ये रहा होता है कि आपका रंग क्यों गोरा हो रहा होता है क्योंकि आपकी जल्द बार बार पतली हो रही होती है, उसमें स्टेरॉयड होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसी डैमेज स्किन को ठीक करना आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए। मेरे पास जब ऐसा पेशेंट आता है साल हर साल लग जाते हैं और फिर भी आपकी स्किन नॉर्मल पर नहीं जाती है, मैं आपको क्यों मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं आपकी स्किन पर नॉर्मल वापस जाती है। द मोमेंट आप क्रीम छोड़ते हैं आपका चेहरा लाल हो जाएगा, आपके चेहरे पे दाने निकल आएंगे और स्किन डैमेज होना शुरू हो जाएगी, आप एक दिन के लिए वो चीज़ छोड़ नहीं सकते। सही। अब गर्मियां हैं बहुत ज़्यादा, स्किन पॉलिश वगैरह लोग जो कराते हैं उनको क्या कहना चाहेंगी, क्या वो भी नुकसान पहुंचाते हैं? स्किन ब्लीचिंग, स्किन पॉलिशिंग को अवॉइड करें, आप करवा के धूप में निकलेंगे डेली बेसिस पे आई एम गेटिंग स्किन रैशेज, स्किन बर्न एवरी सिंगल डे, करवा के निकले स्किन पे रैश होगी, इचिंग होगी, एलर्जी हो गई, उसके बाद जब आप उसको खारिश करेंगे तो वो और थिक और एक्जिमा उसके ऊपर बनेगा, निशान छोड़ जब भी चेहरे पे सुर्खी आएगी इस गर्मी के मौसम में वो निशान छोड़ के जाएगी, क्योंकि हम एशियंस हैं, हम स्किन टाइप 4-5 में फॉल इन करते हैं, हम टैन करते हैं, हम पिगमेंट करते हैं, गोरे की जल्द वो है कि वो लाल हो जाएगा, उसको छाला बनेगा, उसकी स्किन उतर जाएगी, कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन हमारी जो स्किन है स्किन टाइप 4-5 एशियन ये सब कॉन्टिनेंट वाले हम लोग, हम पिगमेंट करते हैं, जहाँ पे चेहरे पे आपकी सुर्खी आई वो इनवेरेबली ब्राउन निशान छोड़ के ही जाएगी। सो उससे बचना है, असल चीज़ यही है कि आपने अवॉइड करना है, सन प्रोटेक्शन करनी है, स्किन को हाइड्रेटेड रखना है, आप हल्का सा आइस कर सकते हैं, ठंडे पानी के छींटे बार बार चेहरे पे मारिए, यू जस्ट कीप योर स्किन कोल्ड। सही। तो ये जो है आप गर्मियों में इस तरह से स्किन की केयर कर सकते हैं, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? सो मैसेज अगेन, प्लीज़ ट्राई अवॉइडिंग बीम्स, इनको जितना अवॉइड कर सकते हैं करें, जो अल्लाह ताला ने आपको रंगत दी है हमारी बहुत खूबसूरत गंदमी रंगत है, बाहर वाले इस कम्प्लेक्शन के पीछे पागल हैं, आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, अपने कम्प्लेक्शन में ग्लो होनी चाहिए है, दैट इज़ व्हाट इट इज़। फ्रेश नज़र आए, आपकी अपनी स्किन ग्लो करेगी जिस भी रंग की होगी तो इट विल लुक ब्यूटिफुल, तो इसीलिए ट्राई वेयरिंग अ सन ब्लॉक, यूज़ विटामिन सी इन समर्स, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा पिए, फ्रेश फ्रूट्स खाएँ, वेजिटेबल्स खाएँ, आम ज़रा ध्यान से खाएं, आम एक्नी करता है। हाँ, आम एक्नी करता है। अब ये आपको जो सब लोग कहते हैं ना कि अच्छा जी हमारी स्किन कैसे अच्छी नज़र आएगी, हम किस तरह से स्किन की गर्मियों में केयर करें, तो सब चीज़ें डॉक्टर साहिबा ने बता दी हैं, आपने हमें फीडबैक ज़रूर देना है, इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह गर्मियों में आपकी स्किन भी बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करने वाले हैं, कल 5 जून थी और कल था जी माहौलियात का आलमी दिन, तो बहुत अहम दिन था, हमने सोचा कि ज़रूर इसको आज हम डिस्कस कर लें, क्योंकि कल संडे की वजह से हमारा शो नहीं था तो हम डिस्कस नहीं कर पाए। खैर, माहौलियात का आलमी दिन मनाने का मकसद क्या है, हमारा इर्द गिर्द का माहौल हमारी सेहत तंदुरुस्ती हमारी ज़िंदगियों पर किस तरह से असरअंदाज होता है, माहौलियात की बेहतरी के लिए कौन कौन से अवामिल हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और माहौल को सेहतमंद खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। आजकल हमारे यहाँ जो माहौल है हम देख रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा मुतासर है, ये धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, फिर चरिंद परिंद आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे, फिर दरख्त बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो माहौलियात डिपार्टमेंट इसमें क्या कर रहा है? माहौलियात के आलमी दिन पर ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माहौल को साफ सुथरा रखने कौन से अवामिल जो हैं अहम किरदार अदा करते हैं और हम इसके लिए क्या करें। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, नसीमुर रहमान साहब डायरेक्टर इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट है, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? जी अल्लाह करम बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो बताइएगा, कल था दिन माहौलियात का आलमी दिन, क्या मकसद होता है इस दिन को मनाने का? ये एक्चुअली 1972 में यूनाइटेड नेशंस ने यह दिन डिक्लेयर किया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा, सेंसिटाइजेशन करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए कम्युनिटीज़ को, जो चाहे सरकारी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबको इसकी अहमियत उजागर करने के लिए दिन डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन की तरफ से, और तकरीबन ये 150 ममालिक में ये ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार भी जो होस्ट कंट्री है वो स्वीडन, तो इसका मकसद जो है वो अवेयरनेस और सेंसिटाइज करने के लिए। ठीक है, अब कुछ हमारे इर्द गिर्द का माहौल जो है हम देख रहे हैं जिस तरह से इतना आलूदा हो चुका है, वो चाहे हम सड़कों पर देख लें, एयर क्वालिटी की सूरत हाल देख लें, अल्टीमेटली ये जिंदगियों के लिए, चाहे वो चरिंद परिंद हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो इंसान हैं, कहीं से फेवरेबल नहीं है,
तो क्या समझते हैं आप, कौन से अवामिल हैं जो कि माहौलियाती आलूदगी का बायस बन रहे हैं और वो कंट्रोल भी नहीं हो पा रहे? दो चीज़, तीन चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि जो हमारा मुल्क है, जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं इंटरनेशनली, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारे मुल्क का जिस रीजन में हम हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है। बट इफेक्टिव में हम तकरीबन पहले 10 मुल्कों में और तकरीबन 8वें नंबर पे। दूसरी बात यह है कि आबादी, पापुलेशन, देखें ना, हम एक तरक्की पजीर मुल्क में रहते हैं और हम उस मुल्क में रह रहे हैं जो जिसका कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है और वो अफेक्टिव में पहले 10 मुल्कों में है। अब जो पापुलेशन है उसका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारा आबादी पे कंट्रोल नहीं है, हमारा गाड़ियों के इंडक्शन पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और फिर अगला जो फैक्टर है वो ये है कि जो एक इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड मुतय्यन किया गया है जंगलात के लिए, वो 25% है। हमारे मुल्क में हम अभी 4.7% या 5% या बहुत कर लें 6% पे। तो ये यानी आबादी, ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा यानी इंडक्शन और उसकी ज़्यादती, और फिर दरख्तों का ना होना। और दूसरी तरफ से आप देखें, जब आबादी ज़्यादा होती है तो बहुत एक सीधा सा फैलाव में इंसान क्या करता है, ऑक्सीजन गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। गाड़ियाँ क्या करती हैं, हम कितनी बेहतरीन गाड़ी में हम बैठते हैं, एयर कंडीशन होती है, बड़ी अच्छी होती है, लेकिन वो पीछे से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रही होती है। हमें ये कपड़े चाहिए, हमें और ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए इंडस्ट्री चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री जहाँ हमारे लिए सहूलियात पैदा कर रही है, वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग में उसका एक रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रही है। अब एक FAO की स्टडी हुई थी यहाँ पर 2018 में, उसमें 43% जो कंट्रीब्यूशन है वो ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन का है। अच्छा, ये तो एक 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 जो हम कह सकते हैं कि चीदा चीदा जो बातें हैं। लेकिन अगली बात यह है कि हमारा सफाई सुथराई का फुकदान, आप देखें, आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की, अब एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे बढ़ता है, ज़ाहिर है हमारी इंडस्ट्री की तरफ से, बेशक वो इन्वायरमेंटली कंप्लाइंट हो जाए, देन भी उसका एक एक कंट्रीब्यूशन तो है इस तरफ। और फिर जो हमारी ट्रैफिक की ज़्यादती और सड़कों के ऊपर अक्सर जगहों पे डिवाइडर्स और साइडों में मट्टी पड़ी होती है, अगर हम जब सफाई सुथराई का मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता तो वो फिर डस्ट और ये धुआं जो गाड़ियों से निकलता है, जो फैक्ट्रियों से निकलता है, इसकी वजह से ये जो हमारा पर्टिकुलर मैटर है, इसके लेवल्स बढ़ जाते हैं। सही, अब आपने ये तो बता दिया कि माहौलियाती आलूदगी क्यों होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना मुतासर क्यों है, अब जो रीजन्स बताएं, इन सबको कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? हाँ जी, ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों की है, इसमें गवर्नमेंट का भी रोल है और हर फर्द का भी है, ठीक है। इसमें अब देखें कि हमारा यहाँ पे आज से अगर 20 साल पहले चले जाएं तो आपको यहाँ पे 2-स्ट्रोक इंजन रिक्शा नज़र आता था, आज वो रिक्शा नज़र नहीं आता, वो एक पैराडाइम शिफ्ट आया। आज रिक्शा चल रहा है बट उसमें पीछे से आपको शोर और धुआं नज़र नहीं आता। आपको यहाँ पे लाहौर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की पुरानी गाड़ियाँ नज़र आती थी, सड़क पे आप जाते थे तो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती जाती, आज वो बहुत कम नज़र आती हैं। रात के वक्त हमें सिर्फ प्रॉब्लम है जो ट्रक्स आते हैं शहर के अंदर, वो उस वक्त हमें ज़्यादा इशू है, बट दिन के वक्त वो एक काफ़ी चेंज आ गई, इम्प्रूवमेंट आई, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ गए बट उनकी क्वालिटी ऑफ व्हीकल्स बेहतर हो गई है। आज जितना पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो कार बन रही है होंडा, चाहे टोयोटा बन रही है, चाहे सुजुकी बन रही है, चाहे बस है, सब यूरो स्टैंडर्ड्स की गाड़ियाँ आ रही हैं, तो वो बेहतर गाड़ी। मेरा कहने का मकसद है ये एक आपको चेंज नज़र आई है, इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। दूसरा, भट्टा हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, छोटा सा प्रोजेक्ट है, कहीं एक सड़क पर एक भट्टा होता था तो वो उसके ऊपर एक बादल था होता था काले धुएं का, आज भट्टे ज़िगज़ैग मेथडोलॉजी पे कन्वर्ट हो रहे हैं और हो चुके हैं ज़्यादा। आज आपको भट्टा चलता हुआ नज़र आता है बट ऊपर से भाप निकलती नज़र आती है, उसमें काले धुएं वाले भी हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन लेते रहते हैं। इसी तरह हम इंडस्ट्रियलिस्ट को जहाँ पे बॉयलर्स यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पे उनकी और कोई सोर्सेज हैं जहाँ से एयर पोल्यूशन होती है, उनको हम सेंसिटाइज भी कर रहे हैं, उनको हम इन्फोर्स भी कर रहे हैं कि वो अपने मिशन कंट्रोल सिस्टम लगाएं, और वो लगा रहे हैं। आपको आज से कुछ साल पहले अगर आप मोटरवे से गुजरते थे तो कोर्ट अब्दुल मालिक करीब आपको धुआं नजर आता था हर तरफ, आज वो नजर नहीं आता आपको। मुझे ये बताइएगा, ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, इसको भी माहौलियात की कंडीशंस के साथ रिलेट किया जा रहा है, कितना ये डिपेंड करती है? ये जो मैंने स्टार्ट में बात की थी, ये सारा बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस है, जैसे हीट वेव आ गई, ग्लोबल वार्मिंग का एक सादी सी बिल्कुल आसान सी बात मैं अर्ज करता हूँ कि आप देखें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है
जो कि इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, गाड़ियाँ छोड़ती हैं, इंडस्ट्री छोड़ती हैं, बेशुमार उसके सोर्स हैं, उसको किसने एड्रेस करना था? वो दरख्तों ने करना था कि दरख्त ने उसको एब्जॉर्ब करना था और दरख्त ने उसको ऑक्सीजन गैस छोड़नी थी, या उन फैक्ट्रीज़ के अंदर या गाड़ी के इंजन टेक्नोलॉजीज, उनकी मशीनरी, उनके मिशन कंट्रोल सिस्टम, इस तरफ गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। बट ऑन द अदर साइड क्या है कि आपके दरख्तों की कमी है, जिसकी वजह से वो बैलेंस जो है वो कायम नहीं रहा। और क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम किसी भी वजह से फ़ज़ा में आती है तो ऊपर से जो सूरज की शुआएँ नहीं जाती हैं, वो ज़मीन से टकरा के ऊपर जाती हैं वापस। अब इन गैसेस की, जिसमें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, इनकी वजह से वो वापस नहीं जा पाती और वो जो हीट है आपकी वो यहीं नीचे रह जाती है। आप अगर देखें तो दो अदवार में हम तकसीम करते हैं। एक है जो प्री इंडस्ट्रियल पीरियड है, जो 1850 से 1900 तक, और उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल, आपका ये जो इरा स्टार्ट होता है, इसमें जो इंडस्ट्री आ रही है, जो हम तरक्की करते जा रहे हैं, खासकर ये आखिरी जो 30-40 साल है, तो इसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई जो जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा हमने तरक्की की, बट उसके साथ साथ कुछ मसाइल भी आए। तो इस वक्त हर तरफ कोशिश हो रही है, क्लाइमेट चेंजेस पे हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग पे हो रही है, ट्री प्लांटेशन को हमने तो कहा है, हम तो 2014 में फर्स्ट टाइम हमारे डिपार्टमेंट में ये अलर्ट जारी किया था तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए, तमाम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के लिए, चैम्बर्स के लिए, हमने उस वक्त शोर मचाया था कि ट्री प्लांटेशन ऑन वार फुटिंग बेसिस चाहिए। अगर हम इस इशू को एड्रेस करना चाहते हैं तो वो एक तरीका है कि उससे थोड़ा सा ये एक बैलेंस क्रिएट हो सकता है। सही, अब आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वो एक अलहदा चीज़ है, लोगों में जितना ज़्यादा शऊर बेदार किया जाए, और हम इंडिविजुअल की अगर बात करें, उनको अपने अपने तौर पे ऐसा क्या करना है कि अपने इर्द गिर्द का माहौल वो साफ रखने में रोल प्ले करें। देखें, आपके घर से बात शुरू होती है। आप मैं अपने घर का कूड़ा अगर बाहर निकाल कर फेंक दूंगा तो ज़ाहिर मेरी गली गंदी हो जाए, मेरा घर साफ हो जाना है, वहाँ मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। मैं अगर घर में अगर कोई मैंने दरख्त लगा ही लिए और उसके पत्ते उठा के मैंने बाहर रख के खुद ही उसको आग लगा देनी है तो वो एक प्रॉब्लम होगा, या कूड़े को आग लगा देनी है, ये इंडिविजुअल्स करते हैं, या अपनी गाड़ी को मैं अच्छी हालत में नहीं रखूँगा, या मतलब ये तो कतरा कतरा बन के फिर समुद्र बनता है, दरिया बनता है, तो वो हर एक बंदे ने अपना एक रोल प्ले करना है। और फिर जो प्राइवेट सेक्टर जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम कहते हैं हम तो बिल्कुल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बहुत हक में है, हमारे मुल्क की मईशत तो उसके ऊपर चलती है, लेकिन हम कहते हैं कि नॉट एट द कास्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। आप फैक्ट्री ज़रूर चलाएं और हम आपको सपोर्ट करते हैं, बट उसमें अगर कोई बॉयलर लगा हुआ है या उसमें कोई ऐसा सोर्स है जहाँ धुआं होता है तो वहाँ पे एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाएं, और वो लगा रहे हैं इस वक्त, हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो लगा रहे हैं, तो जो रह गए हैं बाकी वो भी अगर लगा लें तो इसमें और बेहतरी आती जाएगी। सही सही, अब ये चीज़ें हैं जो कि आपको माहौलियात को साफ रखने के लिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को एक इंडिविजुअल को करना है। नॉर्मली लोगों के रवैये अपने घर से कूड़ा निकाल के बाहर फेंक देना, कूड़े को आग, मार्केटों में हम देखते हैं लगा दी जाती है, वो चीज़ें हैं जो कि आपके इर्द गिर्द के माहौल को ख़राब करती हैं और ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोगों की सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे? पर मैसेज यही है कि हमने बहसीत कौम इंफरादी सतह पर भी और इजतमाही सतह पर भी हमने इसमें सब ने रोल प्ले करना, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द बेहतरी आ जाएगी। सही, तो माहौल को साफ सुथरा रखने में जहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर हम सबको मिलजुल कर अपना किरदार अदा करना है, ताकि कम से कम हम ये कह सकें कि हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरों पे बातें डाल के, दूसरों की जिम्मेदारियाँ देख के जो है इस तरह से काम नहीं चलेगा। अपने इर्द गिर्द के माहौल को, चाहे आप घर हैं, चाहे कारोबारी मराकज हैं, स्कूल्स हैं, साफ रखने में आपने अपना किरदार अदा करना है। और जिस कदर ग्रीनरी को फ़रोग दे सकते हैं देना चाहिए, अपने घरों में इर्द गिर्द पौधे लगाएं, आपका माहौल साफ सुथरा रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि जिद्दत और जदीद की बातें की जा रही हैं, डिजिटलाइजेशन की बातें की जा रही हैं, और डिजिटलाइजेशन की पावर को सही मायनों में उजागर किया है जैज़ ने, क्योंकि जैज़ ने पाकिस्तान में डिजिटल एनेबलमेंट की बुनियाद रखी है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आपको ये भी बताएं कि अब जैज़ की वजह से ऐसी कोई आवाज़, ऐसा कोई मसला नहीं है जिसको बुलंद नहीं किया जा सकता या जिसको दबाया जा सकता है, क्योंकि जैज़ बना है
सभी लोगों की आवाज़ और इसी मकसद को आगे बढ़ाते हुए जैस की जानिब से एक नई एड कैंपेन जो है शुरू की गई है। इस एड कैंपेन में एक ज़बरदस्त मैसेज पहुंचाने की कोशिश भी की गई है और इस एड कैंपेन का नाम रखा गया है जैस की जानिब से सुपर फॉर चेंज। और इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है कि डिजिटल की पावर कितनी है। इस एड में ख्वाजा सरा को जो है वो शामिल किया गया है और क्यों किया गया है, मकसद क्या है, एक स्टोरी दिखाई गई है जिसको लेकर इसलिए चला गया है कि क्योंकि जैस बात कर रहा है चेंज की। इस एड कैंपेन को नाम दिया गया है सुपर फॉर चेंज का। सभी लोग शामिल हो रहे हैं इसमें और कोई भी आवाज़ जो है उसको अब नीचे नहीं रहने दिया जाएगा, दबा नहीं रहने दिया जाएगा। सो हम आपको ये दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक स्पेशल मैसेज जो जैस का है, आप अपनी सुपर स्टोरी शेयर कर सकते हैं और इस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, फेसबुक पेज पर हैशटैग सुपर फॉर चेंज के साथ आपको आना पड़ेगा और अपनी सुपर स्टोरी शेयर करना पड़ेगी। तो वेलकम बैक, और प्रोग्राम के सिलसिले में हमने आज के भाव जानने, हसनैन मार्केट में मौजूद है, ओवर टू यू। महंगाई के जो असरात हैं वो मुरतब होने लगे हैं, जो आढ़ती और जो फड़िए हैं उनकी जानिब से मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं, जिसकी वजह से जो ओपन मार्केट हैं वहाँ पर जो सब्जियों की कीमतें हैं वो भी पहुँच से दूर हो गई हैं और जो शहरी हैं वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि गरीब आवाम के जो मुंह से नवाला है वो भी छीन लिया गया है। अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहले जिक्र करते चलें प्याज, अव्वल जो है जी 3 रुपये इजाफा के बाद जो सरकारी रेट है वो 73 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 80 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर सरकारी रेट 67 रुपये है, ओपन मार्केट में 70 और 75 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन चाइना सरकारी कीमत 200 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 220 से 250 रुपये फ़ी किलो के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक थाईलैंड की अगर बात की जाए सरकारी कीमत 170 है, बाज़ार में वो 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह खीरा देसी सरकारी जो नर्ख है वो 62 रुपये हैं, ओपन मार्केट में वो 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। बैंगन सरकारी कीमत 70 से 73 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 80 से 85 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह शिमला मिर्च जो है 7 रुपये कमी के बाद उसकी जो सरकारी कीमत है जी वो 117 रुपये है, ओपन मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। सब्ज़ मिर्च के जो नर्ख हैं वो 104 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में 110 से 120 रुपये फ़ी किलो में वो फ़रोख्त की जा रही है। लीमू देसी 5 रुपये इजाफा के बाद जो सरकारी कीमत है वो 220 है, ओपन मार्केट में वो 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह जो अरवी है 5 रुपये इजाफा के बाद सरकारी नर्ख जो है वो 119 रुपये हैं, ओपन मार्केट में 230 रुपये फ़ी किलो तक वो फ़रोख्त की जा रही है। ठीक है हसनैन, थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही नाज़रीन आपसे होगी मुलाकात कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।